महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को आयोजित उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का विपक्षी पार्टियों के साथ ही कांग्रेस ने भी बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश की रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने पार्टी के बहिष्कार के बावजूद सदन की कार्रवाई में भाग लिया, बल्कि भाषण भी दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने ऐलान किया था कि पार्टी के विधायक इस विशेष सत्र का बहिष्कार करेंगे। वहीं अब इसे लेकर अदिति सिंह ने सफाई पेश की है और बताया है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष सत्र के आयोजन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से और प्रदेश व देश के विकास से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखने और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार रखने के लिए एक विधायक के रूप में सदन में मैंने अपनी बात रखी थी। इसका और कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, साथ ही भाजपा में जाने की बात को महज एक कोरी अफवाह करार दिया है। देश प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये जो सेशन हुआ था, जो सत्र हुआ था, ये एक स्पेशल सेशन हुआ था, क्योंकि गांधी जयंती मनाई जा रही थी और ये 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता की। तो मुझे लगा कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर अवसर और कोई नहीं है, और मैंने बस वो किया जो मुझे सही लगा। इसका विषय था, सत्र का विषय था कि जो यूनाइटेड नेशन से सेट करे गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक, जो 17 गोल्स हैं, उन पे चर्चा करना, विकास के मुद्दों पे चर्चा करना, प्रदेश और देश के विकास के मुद्दों पे बात करना, क्या किया जा सकता है, क्या करा गया है, आगे क्या स्कोप बन रहा है। तो मुझे लगा कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने विचार रखने का एक मौका मिला है। स्पेशल डेस्क, जनमत न्यूज़।